11 नंबर बोला तो है 11 11। रूप से यही बात है कि जो वोटर लिस्ट की रिवीजन को लेकर है, जो 1-10 से लेकर और 25-11 तक फाइनल उनकी वोटर लिस्ट निकलेगी, उसके बीच में जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी बातचीत होगी, हम उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे वातावरण में चुनाव हो। और रिवीजन के बाद, क्योंकि लगभग 4.25 साल के अंतराल के बाद रिवीज़न हो रही है, वोटर लिस्टें जो हैं वो नई बन रही हैं, इसमें हर तरह के लोग जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ जिनके प्रावधान के अंतर्गत वोट बनने चाहिए, उनके वोट जो है वो बनने चाहिए। इसको लेकर विवाद भी हुआ है, हमने देखा कि किस प्रकार जब जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उसके बाद काफी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उन्होंने हमारे लोगों को दिल्ली में जाकर वोट डालने का हक है। अगर हमारे लोगों को दिल्ली जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का हक है, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आकर लोग जो हैं वो सेटल हो गए हैं, क्या उनको वोट डालने का हक नहीं है? पूरे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पूरे केंद्र के जो प्रावधान है यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, उसी प्रावधान के अंतर्गत हम लोग जो चाहते हैं कि जो लोग भी एलिजिबल हैं उन लोगों को वोट डालने का हक मिलना चाहिए। मेमोरेंडम भी लाया है? नहीं। अभी तो मीटिंग की शुरुआत नहीं हुई, जब शुरुआत होगी वो क्या प्रपोजल लेके आते हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद बात करें। वो वोटिंग राइट वाला जो इश्यू है, नहीं अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ, जब तक मैं उनको सुनूंगा नहीं वो क्या पेश करते हैं, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो हमारा स्टैंड जो पहले था, जो ऑल पार्टीज का स्टैंड था, हम उस पर स्टैंड पे खड़े हैं। जो पहले स्टैंड वो आपने बताया था आपको कि हम बाहर के वोटरों को जो ये अगर हक देना चाहेंगे उसका हम विरोध करें। लेकिन जो दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी वहाँ वोटिंग राइट है, तो इधर मुझे एक चीज बताएं कि जम्मू ईस्ट में का फैसला मैंने करना, जम्मू ईस्ट में रहने वाले या गांधीनगर वाले ने फैसला करना कि यहाँ का विधायक कौन होना चाहिए। मैं सिंपल, मैं कोई कहाँ पर है मुझे बताएं। नो, मैं कहता हूँ कहीं पर नहीं। मुझे क्या बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या बिहार के लोगों को हक दिया कि वो वोट डालें, वो फैसला करें वहाँ के लोगों का? अभी अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको कागज पेश करने दीजिए, वो क्या कहते हैं फिर बताएंगे। ये आज मीटिंग चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बुलाई है, एजेंडा तो तय नहीं है कि किस लिए बुलाई है, अब जाके ही पता चलेगा, तो उस पर जाके बात करेंगे। जो लोगों के खदशात हैं, जो पहले इन्होंने एक बात निकाली थी, तो अब वहाँ बात करेंगे, उसी पे बात करेंगे ना, कैसे बना सकते हैं वही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बाद में एक स्टैंड भी क्लियर किया गया, वही आज क्लैरिटी आएगी ना, पूछेंगे ना। लेकिन हमारा ये है कि अभी एजेंडा इन्होंने दिया नहीं है, अब जाके देखेंगे क्या है। पीपल्स एक्ट एप्लीकेबल हुए हैं तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि कोई भी व्यक्ति जो बॉडी देखिए, ये स्पेशल समरी रिवीजन के लिए एकजुट जम्मू पार्टी को न्योता आया था चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से, जिस संबंध में हम यहाँ पे आए हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद अब इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने का, समरी रिवीजन एक्सेट्रा, जो टेक्निकल प्रोसेस रहते हैं वो चल रहे हैं। एक पार्टिसिपेट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और जहाँ तक 1950 और 51 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है 370 और 35 की एब्रोगेशन का, उसका हम स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर का और कानून के तहत जो एलिजिबल है यहाँ पे वोट बनवाने के लिए, उसे वोटिंग का हक मिलना चाहिए, जैसे यहाँ के लोगों को बाकी स्टेट्स में मिलता है। 370 और 35 को एब्रोगेट करने का मतलब ही यही था कि पूरे तरीके से इंटीग्रेशन हो, मर्जर हो, जो भी भाषा इस्तेमाल की जाती है जुड़ने की। तो इसका विरोध कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस इस पर विरोध कर रही है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बात है, नया आ जाएगा। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पार्टी का सवाल है,
उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का विरोध किया है, तो आप उनके विरोध को सांप्रदायिक ही कह सकते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक वो बराबर के हक यहाँ पे पा सके जो यहाँ के नागरिक बाकी हिंदुस्तान के क्षेत्रों में जाके या पूरे देश में इन जनरल पाते हैं। मुझे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट सांप्रदायिक है। और जहाँ तक डेमोग्राफी को चेंज करने के षड्यंत्र की ये बात करते हैं, पिछले 70 साल से पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कश्मीर बेस्ड कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश की है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग का इस्लामाइजेशन करने का षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने रचा है। कश्मीर को पूरे तरीके से इस्लामाइज जो किया गया 1990s में पाकिस्तान के इशारे पे इन्होंने फैसिलिटेट किया। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास डेमोग्राफिक चेंज, जो ये खुद जिसके एक्टर्स हैं वो आर्ग्यूमेंट लेके इस चीज को विरोध करने का कोई आधार बनता है। 25 लाख इज अ ह्यूज नंबर, ये कहां से आया? अगर आपने कहीं से यूपी बिहार के लोग जो यहां काम कर रहे हैं, अगर उनको आपने वोटिंग राइट्स देने हैं, तो वी वुड लाइक टू नो कि उनका क्या क्राइटेरिया है। ये थोड़ी कि रात को ट्रेन पकड़ के सुबह जम्मू पहुंचा और कल उसको आपने वोटिंग राइट्स दे दिए। कोई क्राइटेरिया में भी उसकी रिहाइश 5 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी जम्मू में होनी चाहिए, या कोई वो वैलिड कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, कुछ इस किस्म का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो फिर आप कैसे 25 लाख की फिगर बना रहे हैं? उसकी जस्टिफिकेशन लगता है आज इस मीटिंग में वो क्लैरिटी आएगी? कोशिश भी वही, एक मेन सवाल तो अपने वही पूछना है कि डोगरों के जो बेसिक राइट्स हैं वो आप किसी बाहर वाले को नहीं दे सकते। वो जो विद इन डोगरा जिनको अभी तक नहीं मिली है राइट्स, या वो बिकॉज ऑफ एज और कोई और किसी भी रीजन से, वाल्मीकि हैं, वेस्ट पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, वो सब होने चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल डोगरा एंड डोगरा इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, कोई भी कुछ हो, ऑल आर डोगरा जो जम्मू में रहते हैं सब डोगरा।